नमस्कार। आज सुबह एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जी से मिले। इस डेलीगेशन की अध्यक्षता हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया। उनके साथ श्री केसी वेणुगोपाल जी, श्री भक्तचरण दास जी, श्री मुकुल वासनिक जी AICC की तरफ से, और हमारे मणिपुर के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री इबोबी सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री गायखान काम जी, हमारे PCC अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह जी और हमारे MLA लोकेश्वर सिंह जी भी शामिल थे। तो 8 सदस्य थे ये डेलीगेशन का, और 4 पन्ने का एक मेमोरेंडम खड़गे जी ने राष्ट्रपति को दिया। इसमें हमने मांग की है कि अभी अभी क्या कार्रवाई होनी चाहिए मणिपुर में, और ये मेमोरेंडम की कॉपी आप सबको मिल गया होगा। अब तक शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक 22 साल पहले जून 2001 को, ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। हाईकोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है, और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। BJP की विभाजनकारी राजनीति, BJP की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में, और अभी जला रहा है 2023 में। जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री व्यस्त थे कर्नाटक के चुनाव में। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तनाव है, हिंसा है, अशांति है, पर इनको कोई परवाह नहीं था। तब से हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आज मैं हमारे मणिपुर के वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें कि क्या हमारी मांग है। हम जानते हैं कि आज गृहमंत्री इम्फाल में है, मणिपुर में है, कल रात को इम्फाल गए थे और आज और कल वहाँ रहेंगे। उसके बारे में भी हमारे PCC अध्यक्ष और CLP लीडर इबोबी सिंह जी आपको कुछ बताएंगे। पर जो मेमोरेंडम आपके पास है, जो हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने राष्ट्रपति को आज सुबह सौंपा था, उसमें आप देखेंगे 12 पॉइंट है, 12 बिंदु हैं। ये एक 12 पॉइंट का एक्शन प्लान है कांग्रेस पार्टी की ओर से, ताकि फिर से मणिपुर में शांति सद्भावना वापस लौट आए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि 2001 के हिंसा के घटना के बाद फरवरी 2002 में इबोबी सिंह जी मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।